बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैरीज़ यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है बीफ बिरयानी, जिसके लिए मेरे पास गोश्त है 3 पाव के करीब लिया है मैंने, और टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के मैंने 4 से 5 अगर कट कर लिए, प्याज लिए हैं मैंने 6 मीडियम साइज़ की ये भी कट कर लिए, और चावल लिए हैं ये मैंने 3 पाव, इतना गोश्त है उतने ही चावल लिए हैं। और ये मेरे तह वाली बना रही हूँ तो उसके तह लगाऊंगी, उसके लिए ये आइटम्स हैं कट कर लिए। मसाला है ये बिरयानी मसाला, पुदीना, दही 3 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ऑयल गर्म हो गया है, गोल्डन ब्राउन करनी है प्याज ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन मैंने अड्डी वाला लिया है। बिरयानी मसाला डाल के बनाई करेंगे। टमाटर भी मैं साथ में इसके डालूंगी, एक साथ बनेगा ये। टमाटर ने पानी छोड़ा है, ये इसमें ही भुनेगा। दही भी साथ डल जाएगा। ये देखिए तेल छोड़ दिया है गोश्त ने, अलग हो गया है। पानी डाल के गोश्त गलाऊंगी मैं। गोश्त गलने के बाद फिर इसकी तह लगा के, क्योंकि ये तह वाली बिरयानी बना रही हूँ मैं। गोश्त गलेगा जब तक, इतनी देर में मैं यहाँ पे चावल बॉईल कर लेती हूँ। पानी बॉईल हो गया है, मैं कुकर में बना रही हूँ तो 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। इतनी देर में मेरे चावल भी बॉईल होके जो है वो छन्ने में रख लूँगी मैं। चावल बॉईल होने में थोड़ा सा पुदीना और कुछ हरी मिर्चें डालूँगी, और 3 पाव चावल हैं तो मैं इसमें 6 जो है ये खाने वाले चमचे नमक डालूँगी। चावल बॉईल करके मैंने छन्ने में रख लिए थे, और यहाँ गोश्त भी जो है वो भुन गया है, गल भी गया है। अब इसकी लगाऊंगी मैं तह। पहले बेस में, इसकी देखी की बेस में मसाले की लेयर लगा देंगे तह। हड्डी वाला गोश्त लिया है, पहले ये लगा देंगे कि चावल टूटे ना हमारा।
पुदीना डालूंगी, उसके बाद टमाटर के स्लाइस, अदरक, हरी मिर्चें, लेमन, मसाले और गोश्त की लेयर। तह वाली बिरयानी का अलग टेस्ट होता है। मुझे काफ़ी टाइम से फरमाइश भी आई हुई थी कि आप बिरयानी सिखाएं, आप अपने तरीके से जो बनाती हैं वो। मेरा ये तरीका है बिरयानी का, आप लोगों को अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए। इस तरह से मैं सारी चीज़ों की लेयर्स लगाती जाऊंगी इसमें। लास्ट लेयर लगा रही हूँ मैं ये। अदरक से इससे अलग फ्लेवर आएगा। एसेंस के अंदर मैंने फूड कलर जो है वो मिक्स कर लिया है। इस तरह से फूड कलर की लेयर लगा दूंगी मैं लाइंस। देखिए लेयर्स लगा दी, इसको ढक दूंगी मैं, कपड़ा भी लगा दूंगी इसके ऊपर ढक्कन पे, और ये 5 मिनट फुल आंच पे जो है, 5 मिनट फुल आंच पे इसको पकाऊंगी। फिर इसकी मीडियम बिल्कुल स्लो कर दूंगी आंच, जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो स्लो करूंगी। 10 मिनट तक ये जो है दम लगेगा इसका, फिर मैं डिश आउट करूंगी। चावल हमारे दम हो गए हैं बिरयानी के, मिक्स करूंगी इसको। मिक्स करके इसको डिश आउट करूंगी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। आज की मेरी रेसिपी का फाइनल लुक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की बिरयानी की रेसिपी। ओके व्यूअर्स, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।